में आपका स्वागत है। मैं हीना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। कर्नाटक में होयसल के पवित्र मंदिर समूह विश्व धरोहर सूची में। इसरो ने अपने सौर मिशन आदित्य L1 का एक महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। कनाडा में हिंसक घटनाओं में भारत सरकार की संलिप्तता को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान को भारत ने खारिज किया। G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक रायपुर में शुरू हुई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पीठासीन अधिकारियों का पैनल पुनर्गठित किया। पैनल में 50% महिला सांसद शामिल। केंद्रीय नगर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा एकीकृत कार्यालय परिसर उड़ान भवन का उद्घाटन। भारत से टक्कर लेने के बाद टेंशन में ट्रूडो, सर्वे में जस्टिन के साथ कनाडा के जनता ने ही किया जस्टिस। टीपूस G20 नामक ई बुक का सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा द्वारा अनावरण। वित्त मंत्रालय ने दी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकृति। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की पारदर्शी पहल। NHAI ने बेंगलुरु में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। IREDA ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। असम के राज्यपाल ने किया सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की। IRDAI के साइबर सुरक्षा समिति का गठन। श्रीनिवास के स्वामी 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए। अभिनेता ऋतिक रोशन होंगे प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल का नया चेहरा। अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए यूपी सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कर्नाटक के रामनगर में स्कूल की दीवार गिरने से 6वीं क्लास के छात्र की मौत। RBI ने 4 सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया। मार्च 2023 तक 16.39 करोड़ मूल्य का ई रुपया प्रचलन में था RBI। धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक ने बोर्ड की सदस्यता से किया। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।